तो हेलो हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास है आज बजाज की सिटी 100 ES, आप लोगों को दिख रहा होगा ये सिटी 100 ES। तो मैं इसमें करने वाला हूँ ब्रेक पैडल स्प्रिंग चेंज। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, इसकी ब्रेक पैडल स्प्रिंग जो है वो टूट गई है, देख सकते हैं आप लोग। ये बहुत नॉर्मल ब्रेक लग रही है, तो देख सकते हैं आप लोग ये स्प्रिंग जो इसकी ब्रेक पैडल की है ये टूट चुकी है। तो इसी को मैं करूंगा चेंज। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से ये टूटी हुई है, तो इसी को करना है हमको चेंज। और चेंज किस तरीके से करना है तो मैं वीडियो में बताऊंगा। और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दो। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली अब हमको खोलना है इसका ब्रेक रॉड का, जो ये जहाँ पे नट लगा होता है, ये 14 नंबर का ब्रेक वाला हमारा एडजस्टर ब्रेक वाला, यहाँ से हम कम ज़्यादा ब्रेक जहाँ से करते हैं। तो इसको हमको पूरा खोल लेना है, पूरा खोल लेना है कुछ इस तरीके। तो फाइनली हमारा नट खुल चुका, तो मैं अब निकाल लेता हूँ इसका ब्रेक रॉड, यहाँ से अलग कर लेता हूँ। और स्प्रिंग इसकी और जो नट है हमारा, इसको रखते हैं हम साइड में। और अब मैं बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है ब्रेक पैडल के सामने, जो यहाँ पे ये वाला जो हमारा लॉक लगा हुआ, कुछ इस तरीके से इसको करके, कुछ इस तरीके से प्लास से पकड़ के इसको करके सीधा और खींच लेना इसको, तो आराम से निकल जाएगा। तो हमारा पिन जो है वो निकल रही है, तो कुछ इस तरीके की पिन होती है, ये चीरा पिन लॉक बनाती है, कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे और वाइसर अलग रख देंगे। और अब निकालेंगे इसका ब्रेक पैडल, कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ खींच लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ खींचना है तो आराम से निकल जाता है। और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। कुछ यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है, आप लोग देख रहे हैं ये ब्रेक स्विच की स्प्रिंग, कुछ इस तरीके से इसको भी निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। तो मेरी ये ब्रेक की जो स्प्रिंग है ये निकल चुकी है, तो ये अब हमारा ब्रेक रॉड आराम से निकल जाएगा। तो हमारा फाइनली निकल चुका है, तो अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। और अब दिखाता हूँ इसका ब्रेक का रॉड का जो स्प्रिंग है, कुछ इस तरीके की ये टूटी हुई है, तो इसी को करना है हमको चेंज। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को इसको चेंज कैसे करना है। तो ये रही हमारी पुरानी, और अब मैं लेता हूँ नई। तो ये कुछ इस तरीके से नई वाली जो हमारी है, इसको लगाना किस तरीके से है तो मैं वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को इसको लगाने किस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं ये वाली टूट गई है, और मैं नई वाली इसमें इंस्टॉल करूँगा। तो कुछ इस तरीके से इसको लगा देना, ये पॉइंट जो है कुछ यहाँ पे, ये पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे, स्प्रिंग का पॉइंट हमारा अंदर जाएगा, कुछ ये वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से जाएगा, ये स्प्रिंग और इसके अंदर पॉइंट के अंदर चली जाएगी कुछ इस तरीके से। ये हमारी चली गई, तो अब हमको लगाना ब्रेक रॉड। और ब्रेक रॉड लगाने से पहले यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे है इसमें लगा लेना है तेल, कुछ ये जो रॉड हमारा निकला हुआ जहाँ पे हमारा ब्रेक पैडल घुसेगा, यहाँ पे कुछ ऑयल लगा लेना या ग्रीस वगैरह लगा लेना, ताकि हमारा ये फ्री रहे ब्रेक रॉड। तो मैंने ऑलरेडी इसमें लगा दिया ऑयल, तो अब मैं लगाऊंगा इसका ब्रेक पैडल। तो ये रहा हमारा पैडल, तो पैडल लगाना कुछ इस तरीके से है। तो पहले जो रॉड हमारा है उसको साइलेंसर के अंदर से कर लेंगे, और उसके बाद कुछ इस तरीके से ब्रेक रॉड को बैठा देंगे। तो हमारा ये बैठ गया, तो अब हमको इसमें लगाना पड़ेगा स्प्रिंग, और स्प्रिंग इसकी हार्ड होती है, तो दूसरी स्प्रिंग लेके इसको लगाना पड़ेगा, ऐसे ये आराम से हाथ से बैठेगा नहीं। तो कुछ इस तरीके से इसमें ले लेंगे स्प्रिंग। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को स्प्रिंग इसकी कैसे लगाना और कैसे इसको स्प्रिंग को बैठाना है। तो अभी हमारी नीचे वाली निकल गई है, तो मैं देखता हूँ, अगर आराम से बैठ जाती तो मैं आराम से ऐसे ही बैठा दूंगा, नहीं तो बाकी इसमें स्प्रिंग लगानी ही पड़ती है, दूसरी स्प्रिंग पकड़ के खींचना पड़ता है इसको लगा के। तो ये ऐसे नहीं बैठ रही, तो मैं पहले इसमें फंसा लेता हूँ कुछ इस तरीके से लॉक में, और अब मैं बताऊँगा इसको लगाना किस तरीके से है। तो अब हमको ले लेना एक खाली स्प्रिंग कुछ, या पेचकस ले लेना या स्प्रिंग, तो मैं पेचकस से देखता हूँ बैठती है कि नहीं। तो ये पेचकस से तो बहुत मुश्किल है बैठ जाए, तो अब मुझे लेना पड़ेगा एक स्प्रिंग, क्योंकि ये पेचकस से बैठ बैठ नहीं रही, बहुत हार्ड स्प्रिंग है। तो अब मैं ले लेता हूँ कि एक स्प्रिंग, ये जो हमारी टूटी हुई स्प्रिंग है ये लग जाएगी तो ठीक है, ये नहीं लग रही तो मैं एक दूसरी स्प्रिंग कुछ इस तरीके से, ये भी मेरी ब्रेक पैडल हीरो होंडा की है, तो कुछ इस तरीके से इसको पकड़ के खींच के लगा देना है, तो फाइनली आराम से मेरी बैठ जाएगी। तो फाइनली ये स्प्रिंग अभी भी नहीं बैठी है, तो बहुत ये टफ स्प्रिंग है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अब यहाँ पे मेरी बैठ गई है, तो इसको प्लास्टिक से पकड़ के इसको आराम से बैठा देंगे तो बैठ जाएगी।
तो फाइनली मेरी स्प्रिंग बैठ गई है, तो अब मैं लूँगा एक हैमर या हथौड़ी लूँगा, कुछ उस हथौड़ी से अंदर की तरफ धक्का मारूँगा तो आराम से बैठ जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हैं आप लोग, मैं इसमें हथौड़ी मार रहा हूँ तो मेरी अंदर धीरे धीरे जा रही है, और इसकी स्प्रिंग देख लेना स्प्रिंग चढ़ी हुई है या नहीं, क्योंकि ब्रेक पैडल पर हमारी स्प्रिंग चढ़ी होनी चाहिए, अगर वो आउट है तो हमारी ये ब्रेक जो रॉड है ये बैठेगा नहीं। तो स्प्रिंग को पेचकस से कुछ इस तरीके से पेचकस से लगा के इसको देख लेना, हमारी स्प्रिंग बैठ गई नहीं, तो मैं देख सकता आप लोग, मैं इसको इस पेचकस की मदद से बैठा दे रहा हूँ, तो बैठ गई है अभी स्प्रिंग मेरी। अब मैं हथौड़ी मार के इसको आराम से बैठा दूंगा। तो फाइनली देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा जो स्प्रिंग और ब्रेक रॉड जो दोनों बैठ चुके हैं, हमारी पिन लग जाएगी। उससे पहले हम लगाएंगे एक वाइसर, तो अब लगाएंगे ये जो हमने पतली पिन निकाली थी ये लॉक बना देगी अंदर, इसको लगा के कुछ इस तरीके से, और इसको प्लास से पकड़ के कर देंगे, बैंड कर देंगे ताकि हमारी निकल निकल ना जाए। तो कुछ इस तरीके से लगा के दोनों साइड से, एक साइड से और दूसरे वाली को भी कुछ इस तरीके से पकड़ के इसको भी नीचे की तरफ बैंड कर देंगे, और ऊपर वाली को भी कुछ इस तरीके से पकड़ के इसको भी कर देंगे बैंड। तो फाइनली हमारी ब्रेक जो है कंप्लीट हो गई है, ब्रेक पैडल। तो अब मैं बताता हूँ इसमें आगे का क्या करना है। तो अभी हमने जो ब्रेक का जो पैडल का स्प्रिंग और रबर जो निकाला था ब्रेक रॉड से, तो उसको भी हमको लगाना पड़ेगा पीछे से, जो हमारी ब्रेक लगती है ब्रेक केम वाली, तो कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। और ऊपर वाली जो एक छोटी स्प्रिंग है ब्रेक स्विच की, जो हमारी लाइट जलती है पीछे वाली, वो भी स्प्रिंग मैंने लगा लिया है। तो अब मैं बताता हूँ इसको लगाना किस तरीके से, जो ब्रेक का हमने रॉड खोला है, तो इसमें जो दो वाइसर कुछ इस तरीके से, इसको पहले वाइसर डालना है और उसके बाद इसमें लगाना है कुछ इस तरीके से स्प्रिंग। तो कुछ इस तरीके से स्प्रिंग लगाने के बाद अब मैं बताता हूँ इसमें लगाना है इसके जो कैम है पीछे का ब्रेक, जहाँ से हमारे लगेगी कुछ इस तरीके से इसमें फंसा लेंगे, कुछ इस तरीके से फंसा के लगा देंगे, कर देंगे टाइट। तो अभी मेरी ये फंसी नहीं, तो मैं इसको फंसा ले रहा हूँ और करता हूँ फिर टाइट। तो फाइनली मेरी ये बैठ गई, अब मैं इसमें लगा दूंगा नट, और नट लगाने के बाद इसको करता हूँ टाइट। तो हमको उतनी ही टाइट रखना है जितनी हमको ब्रेक चाहिए। तो चलो मैं फटाफट से इसको टाइट करके दिखाता हूँ फिर। तो फाइनली हमारी जो ब्रेक है वो टाइट हो चुकी है। अगर आप लोगों को लूज लगती है तो आप उसे वो नट को और टाइट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारी गाड़ी हो गई कंप्लीट, स्प्रिंग और लॉक हमारा सारा कुछ लग गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर दो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।